देर रात के बाद आज सुबह भी तेज आंधी चल रही है राजधानी दिल्ली में। एक बार फिर धूल भरी आंधी है, कल रात से ही ये सिलसिला जारी है। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली वालों को तपिश से काफी राहत मिली है, लेकिन अंधड़ की वजह से मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं। बीती रात तेज अंधड़ की वजह से तीन इमारतें ढह गई, सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिर गए। हालांकि वीकेंड होने की वजह से लोग इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। दिल्ली में मौसम ने एकदम करवट बदली है और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया है। धूल भरी आंधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। लोग जो यहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे वो आप देख सकते हैं कि अब वापस यहां से लौटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम एकदम से बड़ी तेजी से बदला है और बहुत ज्यादा पूरे आसमान में बादल छा गए हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। धूल भरी आंधी जो है वो खासा परेशानी का सबब लोगों के लिए बन रही है और जो कुछ लोग वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं कि एकदम से जो मौसम बदला है उसके बारे में कि क्या वो सोच करके आए थे, क्या पिकनिक के लिहाज से यहाँ पर पहुंचे थे। सर, आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, मौसम एकदम से बदल गया है, आपको लगता है काफी मौसम खराब एकदम से हो गया है, आपने अंदाजा लगाया था ऐसा? नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक था, हम जब आया था वो बिल्कुल ठीक था, सडनली यू नो इट गॉट चेंज, चलो हम जा रहे हैं। आपको लगता है कि मौसम बेहतर हो गया है, ठंडा हो गया है, थोड़ा सा अच्छा है? ठंडा हो गया, लेकिन ये जो डस्ट हो रहा है ना, नो दैट डजंट फील गुड फॉर हियर साइड। तो एकदम से जिस तरीके से आप देख सकते हैं मौसम ठंडा जरूर हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से धूल भरी आंधी है और जो मौसम ने एकदम करवट बदली है, तो जो लोग इंडिया गेट पर घूमने के लिए पहुंचे थे, चाहे वो टूरिस्ट थे चाहे दिल्ली के लोग थे, वो तमाम लोग अब यहां से वापस निकल रहे हैं और एकदम से मौसम ने इस तरह की करवट बदली है। मौसम विभाग ने हालांकि अनुमान जरूर जता दिया था कि शनिवार और रविवार को इसी तरह से मौसम हो सकता है, तेज आंधियों के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन इस तरीके से अचानक कुछ ही मिनटों में पूरा मौसम बदल जाएगा, ये बिल्कुल जो कुछ ही देर पहले सूरज चमक रहा था और अब पूरा आसमान बादल से ढका हुआ है,